डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैलॉक इन सी प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, तब हम इन लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक एंड फ्री। तो गाइज, ये ना एक्चुअल में ये जो टॉपिक है, ये पर्सनली मेरा भी काफ़ी फेवरेट है। उसका रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले तो ये कि पूरी बीटेक में ये टॉपिक मेरे को कभी समझ में नहीं आया। मतलब हम लोग इस टॉपिक तक कभी पहुँचते ही नहीं, और इंटरव्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं पॉइंटर से, और हम लोग जो है बीटेक के टाइम पे इस टॉपिक तक जो है वो पहुंचते ही नहीं है। उससे पहले ही मतलब ऑपरेटर किया या लूप वगैरह किया, बस वहां तक कर लिया, बस होगी सी प्रोग्रामिंग। बट एक्चुअल में जो रियल कॉन्सेप्ट्स है ना, वो यही है एक्चुअल में। तो इसीलिए इस जितने भी ये टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्दो पहले वाली वीडियोस को जितने भी पॉइंटर्स के मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे भी बहुत अच्छे एग्जांपल से बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैलॉक जो है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। तो नॉर्मली ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोग्राम को, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोसेस। जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है, हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस को मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है और डायनामिक एलोकेशन की जरूरत क्यों है, ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इस वीडियो में डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसीलिए एक बार जरूर वो वीडियो चेक कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि ये डायनामिक एलोकेशन रिक्वायर्ड क्यों है, स्टैटिक एलोकेशन क्या होती है और डायनामिक एलोकेशन में हम एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ही क्यों है। तो आपको ये थोड़ा सा टॉपिक लगेगा कि हाँ यार, इसकी एक्चुअल में क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, सबसे पहले यहां पे देखो, मेमोरी एलोकेशन इसकी फुल फॉर्म होगी, और इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है यहां पे, मैलॉक ये जो है लाइब्रेरी फंक्शन है, और ये लाइब्रेरी फंक्शन जो है ये सी के अंदर कौन सी हेडर फाइल के अंदर होता है, कई बार पूछ लेते हैं stdlib, क्योंकि जनरली हम stdio यूज करते हैं, लेकिन stdlib के अंदर इसकी डेफिनेशन मैलॉक की जो है वो उसके अंदर डिफाइंड होती है। तो इसीलिए हेडर फाइल आपको वो वाली यूज करनी है। देन मैलॉक ये फंक्शन है, तो कोई ना कोई पैरामीटर जो है ऑब्वियसली यहां पे देंगे। तो इसमें जो पैरामीटर आर्गुमेंट जो है वो हम क्या देते हैं, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम लिख रहे हैं इस तरीके से, जैसे मैलॉक, और इसके अंदर मैं लेट से लिख दूं 2। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि हमने एक ब्लॉक बना दिया, एक ब्लॉक दे दिया 2 byte का, एक ब्लॉक जो है वो एलोकेट कर दिया 2 byte का, और ये जो है वो प्रोग्राम इसको यूज कर सकता है। मतलब डायनामिकली, मतलब रन टाइम पे हमने एक 2 byte का बॉक्स जो है, 2 byte का एक एलोकेशन कर दिया ब्लॉक, और ये मैलॉक 2 का मतलब क्या है, 2 byte का ये साइज हो गया, और इसके साथ ये क्या लिखा है, void star। void star का मतलब क्या है कि ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक void pointer, मतलब एक pointer रिटर्न करता है ऑफ टाइप void। तो ये जो है कॉन्सेप्ट हम लोग जो है फर्दर यूज कर सकते हैं। मतलब मुझे कोई एरे डिक्लेयर करना है, मुझे कोई रन टाइम पे एरे को मेमोरी एलोकेट करनी है, क्योंकि आपको पता है एरे, जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में एरे को यूज करते हैं, तो मुझे साइज उसका पहले ही देना पड़ता है। पहले साइज देने की वजह से वहां पे लिमिटेशन आ जाएगी, मतलब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जितनी भी चीजें डालनी है वो लिमिटेड डाल सकता हूं। लेकिन रन टाइम पे अगर मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए हम फिर इस तरीके से एक्स्ट्रा एलोकेशन जो है वो कर देते हैं। देन यहां पे आपसे क्या पूछ सकते हैं, यहां से जो है ना एक टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मैलॉक और आपने साइज दे दिया 2, बट हम जनरली इस तरीके से मेंशन नहीं करते, ऐसे हम नंबर्स नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, ये साइज ऑफ। साइज ऑफ लिखने का बेसिक फंडा क्या है कि आप इंट टाइप का देना चाहते हो। इंट जैसे कई जगह पे किसी प्लेटफॉर्म में 2 byte का हो सकता है, किसी में 4 byte का हो सकता है। तो अगर आपने लेट से मैलॉक इस तरीके से कर दिया, और आपने लेट से कोई पॉइंटर ले लिया, आपने, ठीक है, पी, ठीक है, और वो पॉइंटर जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो यहां पे अब आप void तो लिख नहीं सकते, तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपने क्या कर दिया, इसको इंट स्टार कर दिया। तो इंट स्टार कर दिया मतलब आपने जो एलोकेशन की वो इंट टाइप के पॉइंटर के लिए कर दी, ये बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि ये जो 2 byte का एलोकेशन यहां पे दी है, अब इसमें कोई डेटा डालना है, तो आप इसके अंदर कोई डेटा जो है वो डाल सकते हो। तो डेटा डालने के लिए हमने क्या किया, लेट से यहां पे स्टार पी के अंदर मैंने कोई भी डेटा डालना है, तो मैं इस तरीके से इसके अंदर डेटा डाल सकता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है
कि किसी प्लेटफॉर्म के अंदर हो सकता है इंट जो है वो 2 byte का हो, किसी प्लेटफॉर्म के अंदर इंट जो है वो 4 byte का हो। तो आप इसको मेमोरी, मतलब आप इसको जो है मेमोरी की डिपेंडेंसी को यहां पे नहीं लेके आना चाहते, मतलब प्लेटफॉर्म जो है इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बनाने के लिए बेटर है कि आप इसको इस तरीके से साइज ऑफ के तरीके से जो है वो यूज करो। तो देखो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूं, इस प्रोग्राम में आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो stdio.h, stdlib.h, int main, यहां पे int star p, तो यहां पे मैंने एक पॉइंटर ले लिया p of type int, ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमने क्या किया, malloc size of int, इसका मतलब क्या है, लेट्स से अगर मैं int का साइज 4 बाइट ले लूं, तो 4 बाइट का मतलब यहां पे मेरे पास क्या है, हीप है, और उस हीप में एक तरह से 4 बाइट का एलोकेशन हो गया, और 4 बाइट का जो एलोकेशन हुआ, बेस एड्रेस लेट्स से उसका एड्रेस ले लो आप 2000, तो हुआ क्या कि ये जो 2000 एड्रेस था वो हमने किस में डाल दिया, P में डाल दिया, मतलब P एक पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू डालना चाहते हो, लेट्स से स्टार P करके आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, लेट्स से आप 100 वैल्यू डाल रहे हो, तो इसके अंदर जो है वो 100 वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। दूसरा, अगर मुझे एक ब्लॉक की बजाय, मतलब एक सिंगल ब्लॉक की बजाय अगर आपसे पूछ ले कि मल्टीपल ब्लॉक्स एलोकेट करने हैं, तो फिर हम यूज करते हैं कैलॉक का, कॉन्टिग्यूस एलोकेशन का, नॉट मैलॉक, ये पॉइंट याद रखना। और ये देखो ये लाइन में हमने क्या किया है, इस लाइन में हमने क्या किया है, मैलॉक 10 इंटू साइज ऑफ इंट, मतलब कहने का कि यहां पे हमने एक एरे ले लिया, मतलब मैंने साइज ऑफ इंट, आपको पता है 4 बाइट होता है, और 10 इंटू 4 मतलब आपके पास टोटल 40 बाइट, मतलब आपने एक बड़ा चंक, आपने एक बड़ा मेमोरी का ब्लॉक जो है वो एलोकेट कर दिया 40 बाइट का, ठीक है। और इसका इसका मीनिंग क्या बना, इसका मीनिंग काइंड ऑफ ये बना कि आपने लेट से कोई एरे डिक्लेयर करना है, ठीक है, जिसके अंदर आप 10 एलिमेंट्स चाहते हो 4-4 बाइट के, तो ऑब्वियसली आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। और इसका जो बेस एड्रेस होगा, जो भी बेस एड्रेस होगा, वो बेस एड्रेस आपका पॉइंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये जो है वो पॉइंट्स याद रखना कि अगर मुझे सिंगल चंक जो है छोटे साइज का देना, बड़े साइज का देना, तो इस तरीके से मैं साइज जो है वो इसके अंदर मेंशन कर सकता हूं। और फाइनली अगर आपसे लेट से कि अगर इसके अलावा आपसे कुछ भी और पूछ लें, मतलब कि जैसे फ्री का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं, तो उसका रीजन क्या है, सिंपल सा फंडा है कि आपने पहले यहां पे एक पॉइंटर बनाया और वो पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट कर रहा था। अब आपने लेट से नेक्स्ट में डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से कि एक नया पॉइंटर यहां पे किसको पॉइंट कर रहा है, एक नए चंक को, मतलब लेट से इसका एड्रेस ले लो आप 200, या लेट से इसका एड्रेस ले लो 3000, तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 3000 को पॉइंट कर रहा है। तो यानी ये वाला जो था, ये वाला एक तरह से पॉइंटर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये पॉइंटर खत्म हो गया, तो ये जो एलोकेशन थी, ये एलोकेशन जो है वो, इसको खत्म कैसे करोगे, ये तो एक तरह से यहां पे फिक्स हो गई। इसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं फ्री पी, ठीक है। तो यहां पे आप फ्री पी याद से कर देना, नहीं तो ये फालतू में मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठा रहेगा। तो फ्री पी कर दोगे तो फ्री हो जाएगा, ये वाला एक तरह से फ्री हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो चंक हमने एलोकेट कर दिया, वो उसका बेस एड्रेस जो है वो पी को दे दिया। तो इस तरीके से हम मैलॉक को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैलॉक की। थैंक यू।